हमारे पत्रकार मित्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। दो तीन बातें मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। पहला तो इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं। विपक्ष तितर बितर हो गया है, सपा तो सफा हो गई है। सपा को मैं समाप्तवादी पार्टी कहा करता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, और कांग्रेस मुक्त भारत इसलिए कहता हूं, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी है और वहां कांग्रेस और भाजपा ही होती है, लेकिन इस बार अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार थी, 5 साल पूरे होने पर फिर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं, उन्हें प्रमाण पत्र मिल चुका है, उनको बधाई देता हूं। और कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हो गई, जिसे कांग्रेस पार्टी अपनी जागीर समझती थी। रायबरेली और अमेठी से आज तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने 8 राज्यसभा के सांसद जिताने में सफलता प्राप्त की थी। सपा में उसी समय फूट पड़ गई थी। सपा अंतर कलह का भी शिकार है, गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से घिरी हुई पार्टी है। इसलिए मैं कहता हूं, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बूथ के कार्यकर्ता आए, मैं ये गर्वपूर्वक कह सकता हूं, जैसे मेरा बूथ सबसे मजबूत, कहने को तैयार हो? कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाकर बताओ। सब लोग तैयार हो? तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। हमारे पन्ना प्रमुख बन गए कि नहीं बन गए? पन्ना प्रमुख बन गए हैं। एक पन्ना प्रमुख के पास 30 मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी है, 60 अच्छा 60 है, दोनों पन्ने का मिलाकर के मैं एक ही पन्ना गिन दिया। मैं सोचा आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम है। तो हमारे पन्ना प्रमुख लगातार संपर्क में है, और अभी सपा बसपा कांग्रेस के नेता घर से नहीं निकले हैं। सही है कि नहीं सही है? देश से एक आवाज निकल रही है, 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए देश उठ करके खड़ा हो गया है। विपक्ष बौखलाया है, तिलमिलाया है, इन विपक्षी दलों की ओर से किसी भी सीट पर कोई दल का प्रत्याशी हो, लेकिन इनकी हवा खराब हो चुकी है। हवा खराब हो गई कि नहीं खराब हुई? इनकी हवा खराब है और हवाइयां उड़ी हुई हैं। हवाइयां मतलब समझ रहे हो आप लोग? हवाइयां क्यों उड़ी हैं? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 10 साल में जो कुछ हुआ है वह तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो 4 जून को 400 पार के बाद दिखाने का काम शुरू होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सब लोग हाथ उठा के नहीं बता रहे, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जैसे 6 दिसंबर 1992 को कलंकित ढांचे की कार सेवा हुई थी, वैसे ही सपा बसपा कांग्रेस रूपी राजनीति के क्षेत्र में कलंकित ढांचे की तरह है, एक कार सेवा के रूप में टूट पड़ो, मेरा बूथ सबसे मजबूत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को एक संदेश भेजा, यहां पर जो लोग हैं उसमें
कई लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में दिल्ली गए थे। कौन कौन गया था? वहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से हमने देश की जनता से, जब हमारे दो सांसद थे तब भी हमने वादा किया था 370 हटाएंगे, और जब हमारे 303 सांसद बने तो हमने 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहरा दिया। जो देश से वादा किया था उसे पूरा कर दिया। अब जो भारतीय जनता पार्टी के मालिक मेरे त्रिदेव कार्यकर्ता मित्रों, उन्होंने आपके लिए एक लक्ष्य दिया है। किसी को मालूम है क्या लक्ष्य दिया है? कोई है क्या ऐसा? कुछ लोग हैं तो दो विकल्प है, भारत माता की जय बोल करके 370 हटाने के उपलक्ष्य में 370 कमल के फूल जितने पहले मिलते थे उससे ज्यादा 370 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के और भारत माता के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री जी की सभी कार्यकर्ताओं से अपील है, और जिनको लगता है 370 से ज्यादा 500 पार कर सकते हैं, तो 500 साल बाद श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने देश से वादा किया था और उसे भी पूरा किया है। इसे जो 500 बढ़ा सकता है 500 बढ़ाने के लिए लग जाए, तो 370 बढ़ा सकता है 370 बढ़ाने के लिए लग जाए। और आपको ज्यादा पता होगा, मैं तो एक दिन देख रहा था समाजवादी पार्टी के खाते में जो इंडी गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, ये सीट शायद सपा के खाते में आई है मुरादाबाद। सपा आए तो सपा के खाते में सीट आई है। ये समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तो ऐसे बदलती है रोज जैसे ताश के पत्ते बदले जाते हैं। और सपा के बारे में इसीलिए मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बनेगी। तैयार हो इसके लिए? सभी लोग नहीं बोल रहे हो, तैयार हो? तो इसके लिए आज कौन सी तारीख है? कौन सी? 5 है। आज महर्षि कश्यप जी की जयंती, उनके चरणों में नमन करता हूं। यहाँ मतदान कब है? 19। आज से कितने दिन बचे? 13 दिन। 14वें दिन तो वोट डालना है। ये 13 दिन का पूरा समय आप सभी कार्यकर्ता को अपने अपने बूथ पर नरेंद्र मोदी बन करके अपना चुनाव लड़ना है। बनोगे? अपने बूथ पर योगी आदित्यनाथ बनकर के अपना बूथ संभालना है। अपना बूथ केशव प्रसाद मौर्य बनकर के संभालने का काम करना है। अपना बूथ जो पार्टी का नेतृत्व बैठा है उस रूप में आप ही भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान भी हो और आप ही भारतीय जनता पार्टी के भविष्य भी हो। इसलिए आज से जो 13 दिन का समय बचा है पूरी ताकत से 13 दिन लगा दीजिए। ये ध्यान रखना, यह चुनाव केवल 5 साल देश को आगे नहीं ले जाएगा, यह चुनाव देश को 100 साल आगे ले जाएगा। यह चुनाव विकसित भारत बनाएगा। यह चुनाव विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगा। यह चुनाव जो हमारा आज बूथ का त्रिदेव है, भविष्य में उनको विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या क्या पद पर पहुंचाने का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं यह कहता हूं कि जैसे कोई एक्सपायरी डेट की दवा हो, कोई खाना चाहेगा क्या? अगर उसको खाएंगे तो क्या होगा? रिएक्शन कर जाएगा। वैसे ही सपा, बसपा, कांग्रेस राजनीति में जैसे एक्सपायरी डेट की दवा होती वैसे हो गए। अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो समाज का नुकसान हो जाएगा, मुरादाबाद का नुकसान हो जाएगा। इसे सबसे मैं अपील करना चाहता हूं बूथ त्रिदेवों के कार्यक्रम के माध्यम से,
कि इस बार कमल का फूल खिलाइए, क्योंकि मुरादाबाद की बहुत दिनों से मांग थी कि यहां पर एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा? अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। यहां विश्वविद्यालय बनना चाहिए, यहां पर एयरपोर्ट चल रहा है वह और अच्छा स्वरूप धारण करना चाहिए। मुरादाबाद राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला एक मुरादाबाद जिला है, ये सरकार जानती भी है और आप सबके कारण आज डबल इंजन की सरकार है। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि साइकिल पे बैठ करके लक्ष्मी जी आएंगी क्या? हाथी पे बैठ के आएंगी क्या? वो तो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए जैसे यह पूरा हाल लबालब भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से, वैसे ईवीएम मशीन भी कमल के फूल से लबालब भरने का लक्ष्य लेकर के यहां से जाइए। मैं एक बात कहता हूं हर जगह कि बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का या लक्ष्य लेकर के अपने बूथ पर डट जाइए। जिसका बूथ मजबूत वही कार्यकर्ता सबसे मजबूत। और एक बात और ध्यान रखना, हमारा एक एक कार्यकर्ता या ना सोचे कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। अगर आप पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हो तो आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, आपके सम्मान में भी कमी नहीं आने दिया जाएगा। यह भी मैं आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की अभी देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, ये हम ही नहीं मान रहे कि हमारी सरकार फिर तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। ये विपक्षी भी मान रहे कि नहीं मान रहे? अगर विपक्ष भी मान रहा है आप भी मान रहे। मेरे पास तो कई सपा बसपा कांग्रेस के जो परिचित नेता पदाधिकारी हैं कभी मिलते हैं, कह रहे केशव जी इस बार तो हमारे घर वाले भी अगर हम कहे कि साइकिल पंजा हाथी को वोट दे दो तो कह रहे वो नहीं देंगे, वो कह रहे हैं इस बार हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। आप भी पूछना जो सपा बसपा, कई बार आप संकोच में कि तो सपा बसपा कांग्रेस का परिवार है, इस परिवार से कोई इनकी पार्टी का पदाधिकारी है, लेकिन उनका भी वो अपने दलों से भंग हो चुका है। सपा बसपा कांग्रेस सब में भगदड़ मची है कि नहीं मची है? बड़े बड़े नेता, कोई मुख्यमंत्री रहा है, कोई केंद्र में मंत्री रहा है, कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा है, सब छोड़ छोड़ करके पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे कि नहीं आ रहे? अब यहां आ रहे, भगदड़ मची तो ऐसे नहीं मची है। उनको मालूम है कि देश कांग्रेस से मुक्त होने की ओर जा रहा है, सपा बसपा उत्तर प्रदेश में समाप्त होने जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, उसमें राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल था। इस समय राष्ट्रीय लोकदल हमारी ओर है, हमारे साथ है, मालूम है ना आप लोगों को सबको? बसपा अलग लड़ रही है। तो यह 2024 के चुनाव में क्या 2019 की तरह अपने पैरों पे खड़े हैं क्या? नहीं खड़े, ये तितर बितर हो चुके हैं। एक गाना है ना फिल्म का, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ये बंगलौर में चले थे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए परिवारवादी दल माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए। देश ने कहा तीसरी बार मोदी सरकार, 4 जून को 400 पार। भारतीय जनता पार्टी 2014 का लक्ष्य रखा था 272 प्लस का, याद है कि नहीं याद है? कितना देश ने समर्थन दिया? 283 सांसद बना के भाजपा को दिया। और 2019 का लक्ष्य था अब की बार 300 पार, 303 सांसद जीते। और अब की बार का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया 370 पार। भारतीय जनता पार्टी का ध्यान रखना, और 400 पार भाजपा गठबंधन का। और जो लक्ष्य जो भी रखा है, अगर पसीना हम हमारा कार्यकर्ता बहाएगा तो परिणाम क्या सपा बसपा कांग्रेस वालों को मिलेगा क्या? कोरोना की महामारी आई थी, मैं जानता हूं आपने अपनी जान की बाजी लगा करके कोरोना के संकट से जूझ रहे लोगों को
राजनीतिक पार्टी के नाते हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ाना और जिताना और सरकार बनाना नहीं है, एक कार्यकर्ता के नाते समाज और देश की सेवा हमारा प्रथम लक्ष्य है। और कोई भूखा न रहे, बताइए आप लोगों ने भोजन कराया था कि नहीं कराया था? तो यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सेवा में भी समर्पित रहेगा, चुनाव के लिए आज हम बूथ स्तर पर अपने मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। आप बताओ किसी बूथ पर सपा बसपा कांग्रेस वाला कोई कार्यकर्ता सक्रिय दिखाई देता है क्या? उनका हता पता ही नहीं है। कहीं तो मैं ऐसे कम से कम एक दर्जन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसे हैं कि हमको जबरदस्ती टिकट दे दी। एक हरदोई में प्रत्याशी मिश्रिक लोकसभा से थे, उनको देकर मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बेटे को दे दो। बेटे को दे दिया तो कहने मैं भी नहीं लड़ूंगा, आप मेरी पत्नी को दे दो, तीन टिकट। अभी इनके चाचा जो कल गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे, श्री शिवपाल यादव जी, उन्होंने कहा अगर सपा को वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लेंगे। अरे चुनाव के बाद तो सपा ही सफा होने वाली है, समाजवादी पार्टी होने वाली है। अब जब 2014 के लोकसभा चुनाव में तुम भाजपा के कार्यकर्ताओं को और जनता को देख नहीं पाए, 2017 के विधानसभा में नहीं देख पाए, तो 2024 में तो अब गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। अब तुम्हारी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। ना गुंडागर्दी, ना दंगागर्दी, ना भ्रष्टाचार, ना अत्याचार, ना जमीनों पर कब्जा, ना प्लाटों पर कब्जा, ना मकानों पर कब्जा। या व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों ने अपना जो जनादेश दिया था, डबल इंजन की जो सरकार बनाई थी, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले सुकून की नींद सो रहे हैं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष 2016 में बना था, इसी यूपी में मैं घूमता था, कई जिलों में रात के समय कई थानों में ताला लगा करके पुलिस और दरोगा पुलिस लाइन चले जाया करते थे। आज क्या कोई गुंडागर्दी कर सकता है क्या? किसी गुंडा को गुंडागर्दी करने की छूट है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाली सरकार आप सबने रात दिन मेहनत करके बनाने का काम किया। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, पूरे विश्व की नजर है। सरकार बनाने को लेकर के मैंने कहा मुझे शंका है, ना आपको शंका है, ना विरोधियों को शंका है, लेकिन पूरी दुनिया में विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता, भारत का सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता है, इसके लिए अपने भारी समर्थन से उनको अपना समर्थन जताने का काम करिए। आपको मालूम है G20 की बैठक हुई थी दिल्ली में, पूरे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहां पर आए थे। हम लोग फिल्म का वह गाना, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, लेकिन मेरा मोदी वह मोदी है जिसके पीछे संसार खड़ा। यह भी दृश्य हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। आज दिन रात मेहनत करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री भूल जाते हैं लोग। अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं, यहां सब जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, आप सब कार्यकर्ता भी बैठे हैं, 2017 से पहले बताओ मुरादाबाद में कितने घंटे बिजली आती थी? 4 घंटे। अब कितनी आती है? तो आप इसको ध्यान रखना, सपा बसपा के समय बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती है। ये फर्क क्यों आया है? क्योंकि हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सुशासन देने का वादा किया है, जो कुशासन को हटाने का वादा किया है, राम राज्य जिसको कहते हैं वैसी परिस्थिति पैदा करने का वादा किया है, तो उसको हम निभाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में किसानों को, गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों को, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को, अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों को 34 लाख करोड़ रुपया, 52 करोड़ बैंक खातों के माध्यम से, DBT के माध्यम से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। ये सपा बसपा कांग्रेस की जब सरकार होती थी, ये बड़े गर्व से कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। आप जोड़ लीजिए 34 लाख करोड़ का 15% कितना होता है, 5 लाख करोड़ से भी कम होता है। अगर इनकी सरकार होती देश में तो यह लूट करके देश को खा जाते। आज उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता अधिकारी जेल जा रहे हैं। सब कहते हैं ये मोदी जी हम
बाद जिसने भी भ्रष्टाचार किया है मोदी जी उसको छोड़ने वाले नहीं है। इसे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूरी दुनिया के लोग, ये कांग्रेस के लोग प्रचार करते, दुष्प्रचार करते, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने गरीबों का, किसानों का, सबका अधिकार लूटा, वो कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र खतरे में है। बताओ लोकतंत्र खतरे में है क्या? लोकतंत्र खतरे में नहीं है। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी जैसे तमाम नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। पहले हम उत्तर भारत में जीतते थे, लेकिन आज उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो चाहे पश्चिमी भारत हो, जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए काम करता है, पूरे देश का आशीर्वाद उनको मिलता है। हमने सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प लिया और उस सबका साथ सबका विकास के संकल्प में सभी योजनाओं का लाभ सबको बिना भेदभाव के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर सबका समर्थ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो सबसे हमें वोट मांगने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसलिए मैं आप सबको यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ, राजनीतिक समीकरण में कई बार हमारे विरोधी हिसाब जोड़ लेते हैं कि यहाँ इतना मुस्लिम मतदाता है, इतना फला जात का मतदाता है, इतना फला जात का मतदाता है, और हिसाब लगा करके मुसलमान को तो जैसे केवल वोट बैंक बना करके रख दिया है उनको कि भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए विवश है। अगर भाजपा ने कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब वोट मांगने जरूर जाइएगा। कोई वोट नहीं देगा तो हमारा ले क्या लेगा? अगर वोट मांगने ही नहीं जाओगे तो वो कहेगा हमारे पास मांगने नहीं आए, अगर हम वोट दे देंगे तो गिना ही नहीं जाएगा। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिल रहा है। जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है ना, ये पीडीए इनका पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए एक दल बनाए हुए हैं, और उस दल के अंत का समय आ गया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सब कार्यकर्ता साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं यही कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। लेकिन दूसरा, इस समय चूंकि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हमें गरीबी भारत से मिटाना है, गरीबी मिटाना है तो उसके लिए क्या करना है, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी तो सब मोदी जी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा दे। या लक्ष्य लेकर के अपने अपने बूथ पे जाओ, लोगों से वोट मांगो, जिस प्रकार से लोग के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने सेवा की है, हम सबका समर्थन मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, हम जानते हैं जीत सुनिश्चित है, लेकिन मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहूंगा, जोश में होश मत खोना, जोश में होश मत खोना, अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। मैं जानता हूं आप होंगे नहीं, आप अपने बूथ को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि जब बूथ मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत होगी तो भारत भी मजबूत होगा, क्योंकि हम सब देश के लिए काम करते हैं, देशवासियों के लिए काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे परिवारजनों, यही कहते हैं कि नहीं कहते? विरोधी कहते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, माननीय मोदी जी ने कहा मेरा परिवार संपूर्ण भारतवर्ष है, मेरा परिवार देश के 140 करोड़ निवासी हैं, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, और इसीलिए आप में से भी कई लोग अपने मोबाइल में वो लगाया है ना, मैं मोदी जी का परिवार, क्या लगाया है? तो यहां जब पूरा देश उठ करके मोदी जी के साथ खड़ा हो जाता है तो वह खड़े होने का इस समय समय है, पूरे जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी देश को 100 वर्ष आगे ले जाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आने वाले समय में जो गरीब है वो अमीर बने, जो अमीर है और अमीर बने, भारत
विश्व का नेतृत्व करने वाला बने, कोई भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने का दुस्साहस न कर सके। जैसे भारत के नागरिक यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच में से तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय बोलते हुए दोनों देशों के युद्ध को रोकवा करके भारत सम्मान से वापस आए, दुनिया में कहीं भी भारतवासी रहे वहां तिरंगा फहराने का काम कर सके, भारत माता की जय बोलने का काम कर सके, ऐसे मजबूत भारत का निर्माण करने के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, अपने बूथ को मजबूत बनाइए। आप में से कई लोग होंगे जिनके परिचित विदेशों में रहते होंगे, कोई रहता विदेश में, और जिनके परिचित विदेश में रहते उनसे पूछा है आपने कभी कि मोदी जी के आने के पहले उनका विदेश में कैसा सम्मान था और मोदी जी के आने के बाद कैसा सम्मान है? आज दुनिया के किसी देश में अगर भारतवासी रहता है कहता हम तो भारत के रहने वाले हैं, मोदी जी के देश के रहने वाले हैं, तो सामने किसी भी देश का नागरिक बैठा होगा वो उठ करके खड़ा हो जाता है, ये मोदी जी के देश का रहने वाला है। ये सम्मान मोदी जी का ही नहीं है, ये सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों का है। या सुरक्षा, सर्जिकल स्ट्राइक का स्ट्राइक, आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, पाकिस्तान वाले आरोप लगा रहे थे भारत ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक की है, उनके देश में घुस करके आतंकियों को मारा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता, शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। आज भारत किसी को सताने के लिए शक्ति नहीं बढ़ा रहा है, किसी को दबाव में लाने के लिए शक्ति नहीं बढ़ा रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के नेतृत्व इसलिए बन रहा है, उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है जैसे अर्जुन के लिए कि चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, वैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी एक चैनल के इंटरव्यू में जब उनके पत्रकार ने कहा लगता है मोदी जी आप 2024 नहीं 2029 की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कहां रुक गए अरुण जी आप, हम 2029 की नहीं हम तो 2047 की तैयारी कर रहे हैं। आत्मविश्वास से भरा हुआ नेतृत्व हमारा है, ईमानदारी की साथ साथ प्रतिमूर्ति। अगर कोई विश्व के अंदर ऐसा नेता है जिसकी बात पूरी दुनिया मानती है उसका उदाहरण 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है कि नहीं पूरे विश्व में, एक बार मोदी जी ने कह दिया पूरी दुनिया मनाने के लिए तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत पहले भी करता था आज भी कर रहा है आने वाले समय में करेगा, एक सूर्य एक पृथ्वी और एक भविष्य। ये नहीं कि अमेरिका वाले ज्यादा खुशहाल हो और भारत वाले दुखी जीवन जिए, या नहीं चलेगा। भारत की प्रतिभा है, युवा देश है, हम परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं। अकेले मुरादाबाद में कितने अवसर हैं, ये अवसर और कैसे बढ़े इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से लंबी बातें ना करके क्योंकि मुझे जाना भी है, मैं आप सबसे यह विश्वास के साथ जा सकता हूं अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी भेंट हो तो मैं आपकी ओर से यह कह सकता हूं कि इस बार मुरादाबाद में कमल जरूर खिलेगा पक्का। इस बार चाहे कोई भी परिस्थिति आवे मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ डर जाइए और कमल खिलाने का काम करिए। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी बाड़ी को विराम, जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।